Assalamualaikum viewers, मैं हूं आपकी होस्ट माया अली और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम एंकर नंबर वन। आप लोगों का फीडबैक हमें मिला और बहुत ही अच्छा फीडबैक था। कुछ लोगों ने कहा कि उनको एंकर से मिलके, उनके कंटेस्टेंट से मिलके बहुत अच्छा लगा, उनको देखा कि उनमें कैसे कैसे टैलेंट है। और कुछ ने ये भी कहा कि जी हमने उनको उन लोगों से मिलवाया है जिनके पास ब्लू कार्ड थे, हमने रिजेक्टेड कंटेस्टेंट से उनसे नहीं मिलवाया। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग चाहते थे कि फर्स्ट एपिसोड में आपको उन कंटेस्टेंट से मिलवाया जाए जो खुशी खुशी अपने घरों में गए हैं, और ताकि उनके बीच में जो टैलेंट था वो आप सब लोग देख सकते हैं। लेकिन जो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं, इस एपिसोड में हम आपको उनसे मिलवाएंगे, दिखाएंगे और उनके कमेंट्स भी आपको बताएंगे कि वो जाते जाते क्या कह के गए थे। अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को इस एपिसोड में वो सारा प्रोसीजर बताऊँ जिस तरह से एंकर्स यहाँ पे आए, उन्होंने फॉर्म फिल किया और कैसे उनको ब्लू कार्ड मिला, और जिनको ब्लू कार्ड नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। आप मेरे हाथ में ये फॉर्म देख रहे होंगे, ये एंकर नंबर वन का वो फॉर्म है जिसको फिल करने के बाद सारे के सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे आए। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इनका नाम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हॉबीज़ उनकी थी, इनका इंटरेस्ट थे, कौन से चैनल वो देखते हैं और कौन से एंकर उनको पसंद है। ये जब उन्होंने फॉर्म फिल किया, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी, इसके बाद जो हमारे जजेस वहाँ पे बैठे हुए थे पैनल पे, उन्होंने इसी के अकॉर्डिंगली उनसे सारे क्वेश्चंस पूछे ताकि पता चले कि जितने यहाँ पे एंकर कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या वो कर सकते हैं एंकर बनने के लिए, क्योंकि एंकर नंबर वन बनना इतना ईजी नहीं है। और जिन लोगों को ब्लू कार्ड मिला है ऑब्वियसली उनमें कोई ना कोई टैलेंट है और हमारे जजेस को लगा है कि वो कुछ बन सकते हैं आगे जाके, तो इसलिए उनको ब्लू कार्ड मिला। और जिनको नहीं मिला, जो रिजेक्ट हुए यहाँ से, उनके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं था जिसकी वजह से वो एंकर नंबर वन की इस दौड़ में शामिल हो सकते। एंकर नंबर वन स्पेसिफिकली न्यूज़ एंकर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये उसके लिए कि जो म्यूज़िक शोज़ को भी होस्ट कर सके, इसके अलावा एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स को भी होस्ट कर सके और करंट अफेयर को भी होस्ट कर सकते, ये एंकर नंबर वन उसके लिए है। तो जी व्यूअर्स, अभी हम आपको उन तमाम कंटेस्टेंट से मिलवाते हैं जो मुल्क भर से यहाँ पे आए एंकर नंबर वन बनने के लिए, और वो क्या इस प्रोग्राम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला के हुक्म से, उसके फजल व करम से मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि वक्त न्यूज़ के तवसत से मैं इस मुकाम पर पहुंच सकूं। बात यह है कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात मेरा ख्याल के जेब नहीं रहती, जैसे ही आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मौका मुझे मिलेगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस से साबित करूँगा कि मैं वाकई इस चीज़ का अहल हूँ या नहीं। उम्मीद होपफुल तो बहुत है कि सिलेक्ट हो जाएंगे आगे, नेक्स्ट जजेस पे है कि दे थिंक आई एम डिजर्विंग और नॉट। हमने सेलिब्रेट भी किया इस चीज़ को कि मुझे कॉल आई और मैं जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब। मैंने सबको, अपने दोस्तों और जाने वालों को दुआ का कहा कि वो मेरे लिए दुआ करें। ये एक अच्छा स्टेप है, लेना चाहिए, इसे ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हीं को हमेशा आगे लाया जाता है। वक्त टीवी की तरफ से हमें बहुत बड़ा मौका मिला है कि हमें पता है कि हम बोल सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम में स्पिरिट है। अगर मुझे एंकर बनने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इनोवेशन को लाऊँ। होप फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन होप। जब हम हर एक चीज़ जो है वो बगैर सोचे समझे तो कोई करता ही नहीं है, किसी सोच के तहत हम कोई भी काम करते हैं। सो मुझे लगता है कि हम किसी भी प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। अगर सिलेक्ट नहीं हो सके तो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट का वेट करूंगी और फिर उसमें अप्लाई करूंगी। होप फॉर द बेस्ट। सबसे पहली बात, मेरा नाम इरफान अली है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का रहने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ। दो फटियां प्यार दियां, आ दो मेरा रल गल्लां करिए प्यार दियां, उड़का लिया कावां वे। गाना सुना देता। कितनी कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, फुर्सत से तुझे मेरे यार। मैं यही कहूँगा कि मुझे इसके मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, अगर एक्सपीरियंस होता तो शायद मैं इसके ऊपर पूरा उतर जाता, लेकिन मुझे इसके मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। सर मैं असल में एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जिला शेखुपुरा में गांव है फिरोजपुर। सर मैं प्रैक्टिस करूँगा खुद। इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करता रहूँगा। इस तरह उन्होंने कहा कि आपकी टून थोड़ी सी जो है ना पंजाबी है, आप कोशिश करें इंशाल्लाह दोबारा आपको मौका मिलेगा। मेरा नाम मैमूना तैयब है और मैंने सोशियोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और लाहौर से बिलोंग करती हूँ।
एंकर बनने के लिए नॉलेज होना और गुड प्रोनाउंसिएशन का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं फ़िलहाल अपने आप को जुगाड़ लूँ। काफ़ी देर से बाहर बैठी हूँ तो वहाँ पे नींद आ रही थी। एक्चुअली मैं मूवीज़ शादियों में भी नहीं बनवाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैमूना तैयबा। 9 बजे के न्यूज़ खबरनामे के साथ सबसे पहले अहम खबर। ओके, करंटली मैं पर्थ में पढ़ रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट चकवाल से। गवर्नर अवैस खानी खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का वजीर सेहत। मेरा ताल्लुक कराची से, वैसे मैं इस वक्त पिंडी से आया हूँ। असल में मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ, फिर मैं छोड़ दूंगा ना सब कुछ, बिजनेस छोड़ के फिर इसमें आ जाएंगे, मसला कोई नहीं। मेरा ये ख्याल है कि लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें आपका नॉलेज पीछे से बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, यानी कि हल्का फुल्का लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ख्याल है कि एक तो मेरी ज़ुबान बेहतर है, यानी कि जितनी मैं उर्दू बोलता हूँ वो बेहतर है, यानी कि उसमें शीन काफ दुरुस्त है मेरा। लेकिन उसके अलावा एक तो देखें कोई एक चीज़ नहीं बनती, एक ज़ुबान हो गई, फिर उसके साथ उसका एक मुतनासिब यानी कि उसका इल्म, पीछे से उसका इल्म भी होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग करें, पॉलिश करें बंदा, तो क्या से क्या नहीं हो सकता। टीवी पे जो प्रोग्राम आता है वो सना तारिक का, मुझे वो पसंद है। उसमें उनका कुछ, चूँकि वो इमेच्योर टाइप की है, देखिए अभी वो तो खातून है, खातून का मुकाबला मर्द उस तरह तो नहीं कर सकता। यहाँ पर ग्लैमर भी इन्वॉल्व है। अभी तो आप मुझे कुछ देंगे तो मैं करूँगा ना, अपनी तरफ से क्या करके दिखा सकता। मोहम्मद तालिब, यानी LLB जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, और जो है ना वो क्वालिफिकेशन में इसमें रिलेटेड नहीं था जर्नलिज्म में। मैं समझता हूँ कि मैं सच कह सकता हूँ, असल में अपने एनालिसिस करने का अंदाज़ होता है। बाज़ का ये नहीं कि 100% बंदा उस पर जो है ना कह रहा होता है वो सही होता है, लेकिन उसके मुताबिक जो वो कह रहा है और उसकी अपनी जो थिंकिंग है वो कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ। शबीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक। बस कुछ महसूस हुआ अपने आप में, काफ़ी अरसे से महसूस हो रहा था। डॉक्टर के पास आए हुए हैं, कल वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे। जमशेद दस्ती साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जमशेद दस्ती साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने डिसाइड करना कि कोयला हूँ या हीरा हूँ। मुझे महसूस होता है कि पॉलिश की ज़रूरत है। I am Fizaik Pal, teaching in a private school and doing my MSc in mass communication, Sahiwal se. I am giving a laugh. मैं आपकी मेज़बान फिज़ा इकबाल, और आज मैं आपका अपना प्रोग्राम द मॉर्निंग शो होस्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ, और आई वांट टू बी अ न्यूज़ एंकर। आज की ख़बरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। JEO। हारजीत की बात नहीं है, बात ये है कि अगर आप लोगों को यहाँ से वहाँ से बुला रहे हैं और आपको इतना भी पता है एक सीट है, 1600 लोगों को बुलाया, व्हाट इज दिस, खेल रहे हैं आप लोगों के साथ और कुछ भी नहीं है। हम जैसे जो लोग इतनी दूर से आए हैं, पैसे जो हैं घर में खाने को भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे लगा के जाएंगे कि शायद जॉब मिल जाए। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हैं तो आप जिस प्रोफेशन में हैं वो बेस्ट है। एयर होस्टेस की सीट के लिए बुलाया जाता है, 10 लाख पहले रखें फिर आपको जॉब दी जाएगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पक्ती मारो। 10 लाख रुपए 2 साल में इकट्ठा हो जाएगा। अगर हुकूमत चली गई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी गैप भाड़ में, और आप 2 माह की जॉब में निकल जाएंगे अपने घर को। 3000 लेने वाला बंदा यहाँ पे 3000 लगा के आया और उसको आज कह दिए सॉरी गो टू योर होम। आपके लिए यहाँ से सॉरी कह के बंदे को भेज देना आसान है, लेकिन उस बंदे का जो बाकी का महीना वो गुजरेगा ना, उसके ऊपर वो कयामत होगी। जस ये चैनल नहीं, आपका पूरा पाकिस्तान ही इस दारोमदार पे चल रहा है। थैंक्स। तो जी व्यूअर्स, अभी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया। अभी आपने देखा कि एक लड़की को रिजेक्ट किया गया, वो पहले गुस्से में इतना ज़्यादा बोली, फिर उसके बाद उन्हें थैंक्स किया। लेकिन मैं भी उन सबको थैंक्स कहूँगी जिन्होंने बैठ के ये प्रोग्राम देखा। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मैं आती हूँ।